खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। सेना के साहस और जज्बे को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन सेना में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने गौरवशाली सेना के इतिहास पर दाग लगा दिया है। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं नवेद खान। दिन है 3 अगस्त 2021। मेरठ में बुलेट सवार चेन लुटेरे सेना के जवान निकले, बड़ी खबर। मेरठ के थाना सदर बाजार पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने एक सेना के जवान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा साथी इस समय हैदराबाद में अपनी यूनिट में है। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक महिला से चेन की लूट की वारदात हुई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो बुलेट सवार 3 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये दोनों जो आरोपी हैं, जिन्होंने लूट की है, ये सेना के जवान हैं। थाना सदर बाजार पुलिस की माने तो राजपूताना राइफल्स में सिपाही के पद पर तैनात आकाश और उसका साथी सनी शहर में बुलेट पर सवार होकर चेन लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इन्होंने मेरठ के थाना नौचंदी और थाना सदर बाजार के क्षेत्र में चेन लूट की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, थाना नौचंदी के क्षेत्र में 61 साल की बुजुर्ग महिला से भी इन सिपाहियों ने लूट की है। दोनों ही सिपाहियों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर तहकीकात शुरू की गई। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि आकाश और सनी दोनों ये सेना के जवान हैं और उनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर आर्मी भी लिखा है, तस्वीरों आप देख पा रहे हैं। जब पुलिस इन तक पहुंची तो इन्होंने लूट करने की वारदात को कबूल किया, जिसके बाद आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और सनी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मेरठ के थाना सदर बाजार में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं एसपी सिटी मेरठ नवीन भटनागर, आइए देखिए। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। देखिए, लूट का प्रयास नहीं, ये लूट हुई थी और दो लूटें खुली हैं। चेन लाल रंग की बुलेट पर बैठकर महिलाओं से झपट्टा मार के चेन छीनी थी। एक घटना हमारे वेस्टर्न रोड की है, एक सूरज कुंड की है। देखिए, दोनों घटनाएं खुली हैं और भी घटनाओं के बारे में जानकारी की जा रही है। तो ये दो, एक इसका खुलासा हुआ है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति जो है कामयाब रहा है भागने में, उसके बारे में सर की क्या प्रोफाइल है? प्रोफाइल देखिए, अभी तक जो जानकारी हुई है उनसे वार्ता करके, ये भारतीय सेना के ये जवान हैं जो छुट्टी पर घर आए थे। एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है जिसकी बुलेट है और उसने स्वीकार भी किया है और उसी की निशानदेही पर जो है बरामद की गई है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।